आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, आइए 7.2 पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 7.2। NCERT क्लास 12। तो 7.2 पे हम लोग बात करेंगे, 7.2 क्लास 12 का है, इस पे देखना है। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग तेजी से ऐड होते चलिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तेजी से बाबू आप लोग ऐड होते चलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x². तो इसका क्या रिजल्ट होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इंटीग्रल ऑफ 2x/1 + x² है, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्वेश्चन मिलते ही पहले इसको हम लोग आई मान लेंगे। क्या मानेंगे? आई। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लेट माना कि आई बराबर इंटीग्रल ऑफ, और इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + x² × 2x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या किया गया है देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म को अलग अलग कर दिए। जैसे कहीं भी लिखा जाए आपको a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं a × 1/b या 1/b × a, ये दोनों एक ही बात होता है। तो इसी पैटर्न से थोड़ा सा इसको हम ब्रेक कर दिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, है ना। अब देखते चलिए, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे। तो इंटीग्रल में पुटिंग उसी का होता है जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दिया हो। तो अब ये देखिए किसका डेरिवेटिव कौन है, 2x का डेरिवेटिव 1 + x² है कि 1 + x² का डेरिवेटिव 2x है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2x का डीसी जब हम निकालेंगे ना, यहाँ पे 2x का डीसी तो हो जाएगा 2 × d/dx(x), यानी 2 जैसे का तैसे, और x का डीसी x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो हम यहाँ पे सीधे 2 × 1 लिख देंगे, इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा। लेकिन 1 + x² का डीसी निकालते हैं तो ये हो जाएगा d/dx(x), यदि 1 + x² है तो 1 का डीसी 0 और x² का 2x, यानी 0 + 2x इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x। तो हम देख रहे हैं कि 2x का डीसी 1 + x² नहीं है, लेकिन 1 + x² का डीसी 2x हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें 1 + x² को t मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग 1 + x² = t। और आप जानते हैं कि पुटिंग के जस्ट बाद डिफ्रेंसिएशन की क्रिया होती है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों ही तरफ हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का डीसी, एक सेकेंड, यहाँ पे t माने हैं तो t में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे t हो जाएगा t के रेस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 का डीसी t के रेस्पेक्ट में 0, x² का डीसी t में, तो x² का डीसी पहले x में निकालना होगा, फिर x का डीसी t में, देखते चलिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं x² का डीसी x में निकालना होगा, और फिर यहाँ से x का डीसी किस में, t में। तो x² का डीसी x में 2x, और x का t में कितना होगा, dx/dt। अब देखते चलिए यहाँ पर, तो ये 2x * हो जाएगा dx/dt, और t का डीसी t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 0 + 2x * dx/dt, इसका मतलब हो जाएगा 2x * dx/dt। तो इसको हम सजा के सीधे लिख देंगे 2x * dx/dt = 1, और ये dt भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 2x * dx = dt। बात समझ गए। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, देखते चलिएगा, इधर जो हम रफ किए इसको मिटा देंगे,
जो रफ किए हैं ये सबको हम धीरे धीरे मिटा देंगे। देखिए ये सब मिट गया। चलिए अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन मुझे इसका निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो इसमें काम ये करना होगा कि ये जो वैल्यू जो आया हुआ है पुटिंग करने के बाद डिफरेंशिएशन के माध्यम से, इस वैल्यू को मुझे आई में रखना होगा। देखते चलिएगा, यहाँ पर लिख देंगे आई बराबर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे कितना दिया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx। एकदम दिमाग को अस्थिर कर लीजिएगा, यहीं पे ज़्यादा दिक्कत होता है। तब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 2x इंटू dx, ये 2x और ये dx बदल रहा है, ये बदल जाएगा। तो 2x और dx जब बदलेगा तो इसके बदले वैल्यू कितना आएगा, dt आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सीधे लिख देंगे dt को, यहाँ पे आ गया dt। अब आपसे कोई पूछे dt कहाँ से आया, तो क्या बोलेंगे, 2x इंटू dx का वैल्यू यहाँ पर dt है। अब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 जैसे का तैसे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं इसको हम क्या मान चुके हैं, t माने। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे t, और ध्यान दीजिएगा 1/t का इंटीग्रल हो जाता है log मोर t प्लस c, सी तो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे log मॉड टी प्लस सी। लॉग जैसे का तैसे, मॉड टी का मतलब कितना, तो टी का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। तो 23 आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यदि आपको कहीं भी दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो आप ज़रूर बोलिएगा, उसको बताया जाएगा, उसको रिपीट कर देंगे हम। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम ये है कि log x का होल स्क्वायर है ना, तो log x का होल स्क्वायर है तो पहले इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए और इसको i मान लीजिएगा, i फॉर इंटीग्रल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग i मानेंगे, लेट i बराबर इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख दीजिए log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x। और आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि पुट किसको करेंगे, तो पुट उसको किया जाता है जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दिया गया हो। तो इसमें पुट किसको करना होगा, log x को, क्यों, क्योंकि log x का डीसी ही 1/x होता है। तो यहाँ पे log x का डीसी 1/x यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम पुट उसको करेंगे जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दिया गया हो। तब देखते चलिए, यहाँ पर काम ये करना है, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग log x बराबर t, log x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और आप जानते हैं कि पुटिंग के जस्ट बाद डिफ्रेंशिएशन की क्रिया होती है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों ही तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, सॉरी x नहीं यहाँ पे t होगा, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो देखिए यहाँ पे log x का डी सी टी में, तो log x का डी सी पहले x में हो जाएगा 1/x, और x का डी सी टी में हो जाएगा dx/dt। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x इंटू dx/dt, और t का डी सी टी के रेस्पेक्ट में 1। देखिए ये dt डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/x इंटू dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू में ही हम लोग i मान लिए थे, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे i बराबर, i किसके लिए, इंटीग्रल के लिए। तो i बराबर इंटीग्रल ऑफ ये log x का होल स्क्वायर
इंटू वन बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, लॉग एक्स को तो हम शुरू में ही टी मान लिए है ना, लॉग एक्स को हम शुरू में क्या मान लिए, टी मान लिए, तो ये हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। लॉग एक्स की जगह पे क्या रख दिए, टी रख दिए, कहाँ से रखे, लॉग एक्स बराबर यहाँ पर टी है इसलिए टी रख दिए, और स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, और वन बाई एक्स और डी एक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये वन बाई एक्स और डी एक्स के बदले हो जाएगा सीधे डी टी, तुरंत हम यहाँ पर डी टी लिख देंगे। और याद रखिएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टी क्यू बाई थ्री, टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा टी क्यू बाई थ्री, यानी टी के पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, यानी कि टी के पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, यानी टी के पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी। अब इसमें टी का मान रखिए, टी का मान कितना है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स को रख दीजिए यहाँ पर, हम सीधे लिख देंगे लॉग एक्स, और इसका क्या हो जाएगा होल पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, नोट कर लीजिए। तो इस आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए अब अगले पेज पे आते हैं। एक क्वेश्चन है इस पर, जैसा कि इसको लिखवाया गया था बैच में, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए सबसे पहला काम तो इसको आई मानिए और इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको आई मान लेंगे, लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ, इसको तोड़ दीजिए आसान हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इसको ब्रेक कर दिए। अब इसमें सबसे का पहला काम होता है इसका पुटिंग, तो आप जानते हैं पुटिंग किसका होता है, जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दिया हो, डेरिवेटिव जिसका दिया होता है उसी को हम लोग पुट करते हैं। तो अब ये सोचिए कि साइन इनवर्स एक्स का डी सी वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी सी साइन इनवर्स एक्स होगा, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डी सी जो होता है सो वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लोग किसको पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को, तो हम लिख देंगे पुटिंग, यहाँ पर लिखा जाएगा पुटिंग साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान ली टी, मानने के जस्ट बाद डिफ्रेंशिएशन क्रिया होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी टी में निकालना है, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी पहले एक्स में कितना हो जाएगा, तो वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डीसी टी में डी एक्स बाई डी टी होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डीसी टी में डी एक्स बाई डी टी, और टी का डीसी टी में कितना होता है वन। देखिए यहाँ पर डी टी जो है ये डिवाइड में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, समझ गए बात को, तो ये जो हम ऑपरेशन किए हैं ना ये आपको समझने के लिए किए, यानी डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से हमको फंक्शन को चेंज करना है, इंटीग्रल चूंकि इसी का निकालना है तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेबल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से फंक्शन को चेंज किया जाता है, बदला जाता है ना, अब इंटीग्रल इसी का निकालना है तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे आई बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टी, तब ये साइन इनवर्स एक्स यहां से हट जाएगा और इसकी जगह पे हम सीधे लिख देंगे टी को, क्लियर हो गया, इंटू वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो दिख रहा है ये सब बदल जाएगा, इसके बदले आ जाएगा डी टी, तो ये सब को बदल दीजिए, इसके बदले आप लिख दीजिए डी टी को, ये आया डी टी, क्लियर है, तो टी आया, तो टी का इंटीग्रल क्या होगा, टी का मतलब टी के पावर वन होगा,
तो यहाँ पर हम t के पावर 1 को लिखेंगे इंटू डी टी। फिर से देखिए t के पावर 1 का इंटीग्रल, तो t के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, x के पावर n वाले से, इसलिए t के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व कीजिएगा तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। टी किसको माने सो देखिए, तो हम लोग टी माने साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x की जगह पे आप t को रख दीजिए और इसका ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये रिजल्ट हुआ ना। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे। तो टेन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है, तो सबसे पहला काम है कि इसको हम लोग i मानेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे लेट i बराबर, लेट i बराबर इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये सोचिए कि हम पुट किसको करेंगे, तो पुटिंग उसका होता है जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दिया हो। तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x का dc 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम पुटिंग किसका करेंगे टेन इनवर्स x का। तो यहाँ पर देखते चलिएगा, लिखेंगे सीधे पुटिंग टेन इनवर्स x बराबर t। जैसे ही हम टेन इनवर्स x को t मानेंगे, तो t मानने के जस्ट बाद इसका डिफ्रेंसिएशन भी t के ही रेस्पेक्ट में होगा, तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो टेन इनवर्स x का dc पहले x में निकालेंगे, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का dc t में कितना होगा dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का t में dx बाई dt, और t का dc t में 1। ये dt यहाँ पर देखिए डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना है dt है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि इंटीग्रल मुझे इसी का निकालना है ना, तो इसको हम लिख देंगे सीधे i बराबर इंटीग्रल ऑफ 10 इनवर्स x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 10 इनवर्स x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो t लिखेंगे, तो 10 इनवर्स x की जगह पे t को आप रख दीजिए, यहाँ पे t आया इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो आप देख रहे हैं, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt आएगा, ये dt होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम यहाँ पे देखिए dt लिखें। 10 इनवर्स x जो आप देख रहे हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, तो t लिखें। तो t का मतलब कितना होता है t के पावर 1, तो यहाँ पर सीधे लिखिएगा t के पावर 1 इंटू dt। तो t के पावर 1 का इंटीग्रल यानी t के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पे t के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, यानी t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। हम t किसको माने, तो t माने टेन इनवर्स x को, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ टेन इनवर्स x को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा सीधे टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 23 स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, उसको लिखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इस पर कुछ हम एस डब्ल्यू में लिख देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें पुटिंग किसका होगा, तो इसमें पुटिंग हो जाएगा सीधे सेक इनवर्स एक्स का, सीधे लिखेंगे पुटिंग सेक इनवर्स एक्स बराबर टी, इसको ऐसे आप बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें हम लोग पुटिंग किसका करेंगे, तो इसमें पुटिंग हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, तो इसमें हम लिख देंगे पुटिंग टेन इनवर्स एक्स बराबर टी,
ठीक है, इसको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ कहीं आ जाए आपको साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वन प्लस कॉस एक्स को टी मान के बनाया जाता है, इसमें लिख देंगे पुटिंग वन प्लस कॉस एक्स बराबर टी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स हो तो इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा? तो इसमें भी हम वन प्लस साइन एक्स को टी पुट करके बनाते हैं, इसमें भी हम लिख देंगे पुटिंग वन प्लस साइन एक्स बराबर टी। समझ गए? तो आप इसी पैटर्न से ये जो क्वेश्चन जो आपको लिखा गया है इसको आप बनाइएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7.2 का ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो आप तेज़ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय। खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और इसका एक तेज़ से स्क्रीनशॉट लीजिए।